ओके माय डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास सिक्स, कैसे हो आप सब बेटा? आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। प्लास्टिक बून और आ कर्स, इसके बारे में अपन लोग समझते हैं। प्लास्टिक वरदान है या अभिशाप, आपको क्या लगता है? आप सब बताइए। सम काइंड ऑफ प्लास्टिक कैन बी रिसाइकल बट नॉट ऑल ऑफ देम। कुछ सम काइंड्स ऑफ द प्लास्टिक कैन बी रिसाइकल, मतलब कुछ प्रकार के जो प्लास्टिक होती हैं उसको रिसाइकल किया जा सकता है, बट नॉट फॉर ऑल, नॉट ऑल ऑफ देम, पर सब सारे बिल्कुल नहीं। डिड यू नोटिस दैट पॉलीथीन बैग एंड सम प्लास्टिक डिड नॉट रोटेट इन एक्टिविटी फर्स्ट। आपने इस चीज़ को नोटिस किया होगा ना, जब एक्टिविटी हम फर्स्ट कर रहे थे तब जो है बहुत सारे प्लास्टिक बैग और कुछ प्लास्टिक जो है पूरी तरीके से रोट नहीं हो रहे थे। यू माइट नाउ ईजिली अंडरस्टैंड वाई प्लास्टिक बैग्स क्रिएट अ बैग बिग प्रॉब्लम इन अ गार्बेज डिस्पोजल। आप इसको ईजिली समझ सकते हैं बेटा कि क्यों ये पॉलीथीन बैग जो है बड़ा बिग प्रॉब्लम को क्रिएट करता है गार्बेज डिस्पोजल में। इट मे बी अ लिटिल डिफिकल्ट टू इमेजिन आउट लाइफ विदाउट प्लास्टिक। शायद आपको थोड़ा डिफिकल्ट फील हो ये इमेजिन करने में अपनी ज़िंदगी के बिना प्लास्टिक के। सेल वी लिस्ट अ फ्यू थिंग्स वी यूज दैट आर मेड ऑफ प्लास्टिक। ऐसे कुछ चीज़ों को आपको लिस्ट बनानी है जिसका यूज जो है हम क्या करते हैं प्लास्टिक बनाने में करते हैं और प्लास्टिक की चीज़ें होती हैं। तो चलिए कलेक्ट करते हैं। टॉयस ले लीजिए, शूज़ ले लीजिए, बैग ले लीजिए, पेन ले लीजिए, कॉम्ब ले लीजिए, टूथब्रश ले लीजिए, बकेट ले लीजिए, बॉटल ले लीजिए एंड वाटर पाइप ले लीजिए। ये सब क्या हैं? प्लास्टिक की चीज़ें हैं। द लिस्ट इज़ वेरी लॉन्ग, और इस तरीके से आप देखेंगे तो आपके जो लिस्ट है वो बहुत बड़ा बनेगा, बहुत लंबा बनेगा। कैन यू नेम अ फ्यू पार्ट ऑफ बस, क्या आप बता सकते हैं कुछ पार्ट बस के, कार के, रेडियो के, टेलीविज़न के, रेफ्रिजरेटर के, स्कूटर के, जो कि प्लास्टिक के बने हों? द यूज ऑफ प्लास्टिक इन इट सेल्फ माइट नॉट क्रिएट सो मच ऑफ प्रॉब्लम। प्लास्टिक का यूज़ करना ही अपने आप में ही बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करना है। प्रॉब्लम अराइज व्हेन वी यूज प्लास्टिक एक्सटेंसिव एंड आर इग्नोर्ड अबाउट वे ऑफ डिस्पोजल देयर वेस्ट। और ये तब प्रॉब्लम ज़्यादा तब क्रिएट होती है जब हम इन प्लास्टिक का यूज ज़्यादा करते हैं और इनके डिस्पोजल करने, इन वेस्ट को डिस्पोजल करने को हम इग्नोर कर देते हैं। This is what is happening all around us. आप सोच सकते हैं क्या हो रहा है हमारे अगल बगल। We might even be acting irresponsible. यहाँ तक यदि हम मैं बोलूँ तो एक बात बोल सकता हूँ कि हम अनजिम्मेदार बन रहे हैं, अजिम्मेदार। Knowing well about its harmful effect. इसके harmful effect को जानते हुए भी अपन लोग क्या बन रहे हैं बेटा? बहरे बन रहे हैं, समझ नहीं रहे हैं प्लास्टिक के यूज को। वी ऑफन यूज प्लास्टिक बैग टू स्टोर कुक्ड फूड आइटम। यहाँ तक कि हम जो अक्सर फूड आइटम को स्टोर करने के लिए प्लास्टिक बैग का यूज करते हैं। समटाइम्स दीज बैग मे नॉट बी सुटेबल फॉर कीप ए टेबल्स, और शाम कुछ समय तो ऐसे भी होते हैं कि ये बैग पूरी तरीके से सुटेबल नहीं होते ताकि हम उनमें क्या रख सकते हैं, खाने वाली चीज़ों को रख सकें। कंज्यूमिंग फूड पैकेट इन ए सच प्लास्टिक बैग कुड बी हार्मफुल टू आवर हेल्थ। और यदि इस तरीके से कोई फूड चीज़ें या ग्रेन्स रखी जाती हैं प्लास्टिक के अंदर तो ये बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है हमारे हेल्थ के लिए। मैनी अ टाइम शॉपकीपर यूज प्लास्टिक बैग दैट हैव बीन यूज्ड अर्लियर फॉर सम अदर पर्पस। और ज़्यादातर टाइम जो है हमारे जो शॉपकीपर होते हैं वह अलग अलग कामों के लिए, अलग अलग पर्पस के लिए इन प्लास्टिक बैग्स का यूज़ करते हैं। समटाइम्स बैग कलेक्टेड बाई द रैग पिकर आर आल्सो यूज आफ्टर वॉशिंग दैम। और कुछ टाइम जो है ये बैग्स तब कलेक्टेड की जाती हैं रैग पैकर्स के द्वारा आफ्टर वॉशिंग दैम। यूज ऑफ सब सच रिसाइकल प्लास्टिक बैग टू कीप फूड आइटम कुड बी हार्मफुल फॉर आवर हेल्थ। यहाँ तक कि वैसे सारे प्लास्टिक जिसका यूज जो है रिसाइकिल हो सकते हैं या रिसाइकिल होते हैं उसमें फूड आइटम यदि हम रखते हैं तो वह सच में बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होता है, हार्मफुल होता है हमारे हेल्थ के लिए। फॉर स्टोरिंग ए टेबल वी मस्ट इंस्टीट ऑन यूज ऑफ प्लास्टिक बैग दैट आर अप्रूव्ड फॉर सच ए यूज़। और ऐसे ही मतलब प्लास्टिक का यूज़ करना है जो कि अप्रूव्ड हों, कि जिसमें हम ए टेबल थिंग्स को रख सकें।
ऑल काइंड ऑफ प्लास्टिक गिव आउट हार्मफुल गैप्स, और सभी प्रकार के जो प्लास्टिक होते हैं बेटा हार्मफुल इफेक्ट ही देते हैं, ये तो बोलने की बातें हैं। ओपन हीटिंग और बर्निंग, दीज गैसेस में कॉज मैनी हेल्थ प्रॉब्लम, यहाँ तक कि यदि इन प्लास्टिकों को ओपन एयर में जला करके देखिए, जो स्मोक निकलती है ना, वह बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होता है हमारे हेल्थ के लिए और बहुत सारी बीमारियों का कारण भी, जिसमें शामिल है कैंसर। द गवर्नमेंट हैज आल्सो लेड डाउन गाइडलाइन फॉर रिसाइकल ऑफ प्लास्टिक, और यहाँ तक कि गवर्नमेंट भी जो है क्या करती है, लेड डाउन करती हैं और गाइडलाइन जारी करती है ताकि इन प्लास्टिकों का रीयूज किया जा सके। पहली वुड लाइक टू सजेस्ट दैट कंटेनर यूज फॉर द स्ट्रॉन्ग पॉइजनस सब्सटेंस शुड बी रिसाइकल सेपरेटली एंड दिस सच रिसाइकल प्लास्टिक आर नॉट यूज टू मेक अ प्लास्टिक बैग। यू मस्ट हैव नोटिस द पीपल ऑफ एन फिल गार्बेज इन प्लास्टिक बैग एंड देन थ्री इट अवे। आपने नोटिस किया होगा बेटा कि जो लोग होते हैं वो अक्सर गार्बेज में जो प्लास्टिक बैग होते हैं उनको दूर फेंकते हैं। वैन स्ट्रे एनिमल लुक फॉर फूड इन दीज बैग्स, और इन गार्बेज में फेंकने के बाद जो प्लास्टिक के बैग होते हैं एनिमल सर्च करते रहते हैं, फूड मटेरियल के सर्च में जब एनिमल आते हैं दे एंड अप स्वॉलिंग दीज, समटाइम्स दे डाइड ड्यू टू दिस। कुछ टाइम जो है ये भरे हुए प्लास्टिक के बैग जब फूले हुए दिखाई देते हैं और वो एनिमल्स खा जाते हैं उनको और वो मर जाते हैं। द प्लास्टिक बैग थ्रो अवे केयरलेसली ऑन रोड एंड अदर प्लेसेस गेट इनटू ड्रेन एंड द सीवर सिस्टम। आपको क्या करना है, प्लास्टिक को बहुत दूर फेंकना है रोड से और ड्रेनेज सिस्टम से और सीवर सिस्टम से बहुत दूर। एज अ रिजल्ट देन ड्रेन गेट चॉक्ड एंड द वाटर स्पिल ऑन द रोड। और ये प्लास्टिक क्या होती हैं, यदि धोखे से ड्रेनिंग सिस्टम में फेंका गई, सीवेज सिस्टम में फेंका गई, तो वह जो छोटी पाइपें होती हैं उसको ब्लॉक कर देती हैं और जो ड्रेन की जो वाटर है, सीवेज वाटर है, वह रोड पे आने लगता है, स्पिल होने लगता है। बाकी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।